दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? तो गाइस फाइनली SOL के असाइनमेंट्स वेबसाइट के ऊपर SOL DU की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर के हैं सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 उनके लिए असाइनमेंट अपलोड हो चुके हैं, क्योंकि आज है 25 जून और डेट शीट के अकॉर्डिंग पहले आज असाइनमेंट आने थे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के। लेकिन अभी कुछ बच्चों को डाउट है, जो बच्चे सेकेंड ईयर के हैं, कि हमारे असाइनमेंट क्यों नहीं आए और हमारा अभी तक हॉल टिकट भी नहीं आया। तो आपको बता दूं कि आपकी जो हॉल टिकट है वो आज के बाद कभी भी आ सकती है, मे बी आज आ जाए या फिर कहते हैं कल परसों तक आ जाए, क्योंकि आपके जो असाइनमेंट है वो 30 जून को आपको मिलने हैं जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर के लिए। लेकिन आइए जानते हैं कि प्रॉपर तरीके से असाइनमेंट को डाउनलोड किस तरीके से करना है, कौन सी शीट यूज करनी है, क्या क्या चीजें हमें उस पर मेंशन करनी है और पेपर कितने मार्क्स का रहने वाला है, कितने क्वेश्चन करने हैं। अभी आपके बहुत से डाउट्स हैं तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के थ्रू आपके सारे डाउट्स मैं दूर कर दूं और फिर आज से आप अपने असाइनमेंट को लिखना स्टार्ट कर दें। और एक क्वेश्चन कितने पेजेस में लिखना है ये भी बहुत बड़ी स्टूडेंट्स को समस्या आ रही है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी चीजें हमें आंसर शीट पे मेंशन करनी है। इस वीडियो को गाइस बिल्कुल ध्यान से देखिए, तभी आप सबके सारे डाउट्स दूर हो पाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है A4 शीट जो कि है एकदम प्लेन। आप चाहे तो लाइनिंग वाली शीट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि आपको शीट के सिर्फ एक तरफ ही लिखना है, ऐसा असाइनमेंट वाली गाइडेंस में लिखा गया था। आप चाहे तो दोनों तरफ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम है, जब आप इस PDF फाइल को स्कैन करेंगे कंप्लीट लिखने के बाद तो वो आगे पीछे छपा हुआ दिखता है, तो PDF फाइल फिर आपके अच्छे से बन नहीं पाएगी। अगर तो आपकी जो शीट है ये काफी अच्छी कहते हैं उसकी क्वालिटी की है तो आप कहते हैं आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर आप नॉर्मल शीट यूज कर रहे हैं जिसपे कहते हैं फोटोकॉपी करते हैं तो आप उस शीट पर सिर्फ एक तरफ ही लिखें, वही अच्छा होगा। आप चाहे तो लाइनिंग वाली और प्लेन शीट दोनों ही यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्लेन A4 शीट आप यूज करें तो बहुत ज्यादा बेटर होगा। अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि आपको कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी है। सबसे पहले आपको मेंशन करना है आपका सिग्नेचर सबसे टॉप के ऊपर और साथ ही साथ सीरियल नंबर, उसके जस्ट नीचे राइट साइड पे आपका नेम। आज की जो गाइडलाइंस है इसमें बताया गया है कि आपको आपके आंसर शीट्स के ऊपर आपका नेम भी मेंशन करना होगा। आपको बता दूं कि आपको फर्स्ट शीट पे, यानी कि जब आप असाइनमेंट स्टार्ट करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का, तो आपको फर्स्ट शीट पे मेंशन करना होगा आपका नेम सबसे पहले, एग्जामिनेशन रोल नंबर, SOL रोल नंबर, पेपर कोड एंड सब्जेक्ट। अब आपको बता दूं कि जो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर है ये आपको हॉल टिकट के अंदर दे दिया गया है, जो नंबर है आपका SOL का ये आपके ID कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है, पेपर कोड डेट दिया हुआ डेट शीट में आपका, और सब्जेक्ट भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तो हो गई फर्स्ट शीट। इसके बाद आप यहां से नीचे से अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं सेकेंड पेज पे कि हमें हर पेज पे कौन कौन सी चीजें मेंशन करनी है। तो आपको बता दूं साइड में सबसे ऊपर सीरियल नंबर, आपका सिग्नेचर, और हर शीट पे आपको आपका नेम मेंशन करना है, ठीक है। आपका नाम आएगा, फिर आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर राइट साइड पे टॉप पे, और उसके बाद आपका आएगा SOL का रोल नंबर। बस फर्क यह है कि आपने फर्स्ट शीट पे पेपर कोड और सब्जेक्ट कोड को एक्स्ट्रा लिखा, लेकिन बाकी जितनी भी शीटें होंगी आपको उस पे क्या लिखना है, नेम, एग्जाम रोल नंबर, SOL रोल नंबर, सिग्नेचर और सीरियल नंबर। ये तो हो गई अब शीट्स की बात। अब एक क्वेश्चन को कितने पेजेस में लिखना है, आपको बता दूं कि जो आपका ये पेपर आया है ये टोटल आपका आया है 100 मार्क्स का, ठीक है। आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं हर सब्जेक्ट के, ठीक है। तो यानी कि आपका एक क्वेश्चन हुआ 50 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन हुए 100 मार्क्स के। अब मेरे अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन को, ठीक है, कम से कम 5 से 6 पेजेस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 5 पेजेस तो मिनिमम बनते ही हैं, और कहते हैं आप चाहे तो 5 से 6 पेजेस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। पेपर जो आपका है, एक क्वेश्चन आपको कहते हैं 50 नंबर का है, तो मिनिमम मेरे हिसाब से 5 से 6 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आपको अच्छा स्कोर मिलेगा। और मैं यही चाहता हूं कि आपके अच्छे नंबर आए। अगर आपको मौका दिया गया है असाइनमेंट करने का तो आपकी अच्छी परसेंटेज बन जाए इस साल के एग्जाम को मिलाकर। अब जानते हैं कि क्या क्या दिया गया है, किस तरीके से पेपर को डाउनलोड करना है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है,
और कैसे कैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रॉपर तरीके से बात करते हैं गाइस, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इन असाइनमेंट के मैं आप सबको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाला हूं। ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन डेफिनेटली मैं आपकी प्रॉपर तरीके से पूरी हेल्प करूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लॉगिन करना है स्टूडेंट डैशबोर्ड को एसएल रोल नंबर से और बार कोड से। उसके बाद कुछ ऐसा शो होगा, यूजीएच एडमिशन टिकट फॉर असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन 2020, क्लिक हियर। फिर कुछ ऐसा शो होगा, डाउनलोड एंड अपलोड असाइनमेंट बेस्ड इवैल्यूएशन 2020। इस पे क्लिक करते सार आपका ये टैब ओपन हो जाएगा, आपके एक पेपर दिए होंगे और यहाँ पे दिया होगा कि यहाँ से आप क्लिक करें व्यू डाउनलोड करने के लिए। डाउनलोड कर लें, जब कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है चूज करने का, यहाँ पे फाइल को चूज करके आप अपलोड कर पाएंगे। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कोड भी दिया हो गया है 12031-1101 और पेपर नेम भी दिया गया है। तो यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है असाइनमेंट को, फर्स्ट असाइनमेंट को सेमेस्टर वन के इन्वायरमेंटल साइंस, जिसका पेपर कोड रहेगा 72182801। ये आपका जो एग्ज़ाम है ये रहेगा आपका 100 नंबर का। यहाँ पे लिखा गया है अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस इन ऑल, यानी कि आपको चार क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको दो क्वेश्चन कोई भी आपको करने हैं। अब कुछ बच्चों को डाउट ये भी था कि मान लीजिए हमने जो हमारी लैंग्वेज थी वो हमने इंग्लिश मीडियम दे रखी थी, तो क्या हम सभी असाइनमेंट को हिंदी में दे सकते हैं? जी हाँ, आप किसी भी लैंग्वेज में असाइनमेंट्स को दे सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि जब आप कोई असाइनमेंट स्टार्ट करें तो उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज में लिखें। ऐसा ना हो कि आप एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर रहे हैं इंग्लिश में और एक क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट कर रहे हैं हिंदी में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी जौन सी मर्जी लैंग्वेज थी, आप किसी भी लैंग्वेज में इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में असाइनमेंट को दे सकते हैं, किन्हीं दोनों में से एक में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि आपको राइट योर नेम एंड रोल नंबर ऑन ईच पेज ऑफ योर आंसर शीट। आपको नेम और रोल नंबर हर शीट पे मेंशन करना है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया किस तरीके से आपको मेंशन करना है। अब यहाँ पे दिया गया है द मैक्सिमम मार्क्स प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर आर एप्लीकेबल फॉर द स्टूडेंट्स, दीज मार्क्स विल हाउएवर बी स्केल्ड डाउन प्रोपोर्शनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ रेगुलर कॉलेजेस एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ अवार्ड्स फॉर कंप्लीशन ऑफ रिजल्ट्स। यानी कि उन्होंने दोनों जो कहते हैं एग्जाम्स हैं, ठीक है, यानी कि जो सारे एग्जाम्स हैं सभी क्वेश्चन की वेटेज एक ही रखी है, वो चाहें तो इन क्वेश्चन की वेटेज को कम भी कर सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन अभी के लिए जो आपका पेपर है ये 100 नंबर का रहने वाला है। आपको चार में से किन्हीं दो क्वेश्चन को करना होगा। आप अपने क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। आई डोंट थिंक कि मुझे कहते हैं क्वेश्चन को यहाँ पे शो करना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चन असाइनमेंट में दिए गए हैं, वो जब आप कहते हैं असाइनमेंट को ओपन करेंगे आपको वहाँ पे जाके सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही थे आपके असाइनमेंट, कुछ देर बाद जाके आप अपने सभी असाइनमेंट को डाउनलोड कर लें और आज से ही लिखना स्टार्ट कर दें। तो गाइस ये था आपका वो कंप्लीट प्रोसेस, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लिखना है। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स थे वो सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं। जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर के हैं डोंट वरी, आपका हॉल टिकट बहुत जल्दी आ जाएगा। और अभी जो असाइनमेंट आया है ये अभी सिर्फ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए आया है। आपको मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी है किस तरीके से लिखना है, ठीक है। पेपर को जो आपका असाइनमेंट है बिल्कुल सिंपल करें, बिल्कुल भी डेकोरेट ना करें, फालतू की दिक्कत ना लें, ब्लैक पेन ब्लू पेन कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, सिंपल सा प्रोसेस है। चार क्वेश्चन दिए हैं, दो क्वेश्चन कर दो बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर असाइनमेंट पहले कंप्लीट हो जाता है तो आप पहले भी सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो कोशिश करें कि जो आपकी लास्ट डेट दे रखी है उससे पहले पहले आप असाइनमेंट को सबमिट कर दें और वेबसाइट को चेक करते रहें, आप बहुत जल्दी असाइनमेंट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वर्क हार्ड, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आप सब तक सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम से पहुंच जाए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन वर्क हार्ड, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।